और चंपारण का ये बेतिया शहर जो बाढ़ में पिछले 20 साल से डूबता है, उसके लिए कोई विधायक नहीं दोषी है, उसके लिए ये आदमी दोषी है। ये है सुजय सुमन जी आदरणीय, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, पिछले 20 साल से बैठे हैं, और ये कब मेरे ऊपर केस कर देंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 20 साल से बैठे हैं और इनके द्वारा बनाया हुआ एक भी नाली सही नहीं है। सिविल इंजीनियर ये भी होंगे, मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। पूरे बेतिया का बेंचमार्क लेवल क्या है नाला का, बताइए आप। जो मुख्य नाला जो है, हाँ, सारे एक और सवाल पूछता हूँ, आपको पता है एशिया में सबसे पहले नदी से नदी कहाँ जोड़ा गया था, कौन से धरती पे जोड़ा गया था? बेतिया में जोड़ा गया था, जिस बेतिया में चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ा गया था, और जिस बेतिया में एक बूंद पानी नहीं लगता था, उस बेतिया के बिजनेस को आपने चौपट कर दिया, उस बेतिया के विकास को आपने चौपट कर दिया, क्या आपको पता है? हमसे आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, क्यों हुआ था? अब न बताइए, ये क्या क्वेश्चन हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ है, आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ, आप अपनी ईमानदारी साबित कीजिए कि क्यों रेड हुआ था? कोई कंप्लेन किया, आया, रेड किया, उसमें क्या रिजल्ट आएगा वो तो बात की चीज है ना। अभी तक रिजल्ट नहीं ना आया है, कितना दिन पहले रेड हुआ है आपके ऊपर? 6-7 महीना पहले हुआ, 6-7 महीना पहले इनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और स्विट्जरलैंड में पिछले 13 साल में पहली बार भारत का संपत्ति बढ़ा है, क्या पता ऐसे ही लोगों का संपत्ति बढ़ता होगा। और ये लोग हैं एक्चुअल में दोषी, हम लोग डीएम को ढूंढते हैं, हम लोग विधायक को ढूंढते हैं, और हम लोग किसी और को ढूंढते हैं, और ये लोग डुबा देते हैं बेतिया को। बेतिया का फ्लो कितने डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन? बेतिया का पानी निकालने का फ्लो सिंगल डायरेक्शन में है कि मल्टी डायरेक्शन में है? आप जो बात करने के लिए आए हैं तो आप एज ए पत्रकार बात कर रहे हैं, तो कोई बात करिएगा। अरे सुनिए ना, मैं एज ए बेतिया का नागरिक बात कर रहा हूँ। जिस दिन मेरी बीवी प्रेग्नेंट रहेगी, जिस दिन उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होगा, उस दिन मैं क्या करूंगा? आप जान से मारे हैं बेतिया के कितने लोगों को, आपने बेतिया के विकास को चौपट किया है। इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आप केस कीजिए मेरे ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप केस करें और मैं जेल जाऊं, मैं चाहता हूं। हम काहे के लिए आपको केस करें भाई, आपके क्योंकि आपके वजह से 20 साल से एक कुर्सी पर किस सेटिंग से बैठे हैं आप, जवाब दीजिए। ये हमारा स्तर का चीज नहीं है, ये विभाग का। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको एक कुर्सी पे 20 साल बैठा देंगे? अब ये तो विभाग नहीं जानते। कौन से विभाग के कौन से अधिकारी, नाम बताइए आप। नगर विकास विभाग है। नगर विकास के कौन से अधिकारी, अमृत प्रताप अमृत? ये तो कौन से अधिकारी बैठा दिया आपको एक कुर्सी पे 20 साल? हमारे हॉस्पिटल चौपट कर दिया आपने, ब्लॉक चौपट कर दिया आपने, पूरा बेतिया को चौपट कर दिया आपने, और पूरा बेतिया के लोग जो है आपस में एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे हैं, और डुबा आप रहे हैं पूरे बेतिया को। लोग फेसबुक पर नेता को गाली दे रहा है, और ऐसे ऐसे लोग जो है वो पूरा बेतिया को डुबा दिया, और बेतिया नगर परिषद है। और मैं आया इनके पास, अभी केबिन में घुसा नहीं था तब तक ये मेरा ही वीडियो देख रहे थे, अभी सवेरे इन्हीं का सच्चाई मैं सबके सामने लाया था। मेरा वीडियो क्यों देख रहे थे आप? अभी खोले तो नजर आया, देख रहे नजर आया ना। चलिए न्यू कॉलोनी में चलिए, नाला देखिए आप कौन सा डायरेक्शन दिए हैं। नाला का जो संवेदक काम किए हैं, संवेदक ठेकेदार को अगर आप लोग गलत कहिएगा ना, वही ठेकेदार जाके गुजरात में ईमानदारी से काम करता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नीचे ईमानदारी से काम करता है, बिहार में ठेकेदार गलत हो गया। ठेकेदार से आप लोग काम नहीं किया है, अभी काम करना बाकी, काम तो नहीं किया है, 4 फीट ऊपर रोड के ऊपर नाला बना दिया, काम करना है उसका, जांच कौन करेगा? फीलिंग है ना, फीलिंग करके उसको हाइट लेना है। कौन? दोनों नाला का साइज जो है एक बराबर नहीं है, बानो छापर को आपने डुबाया है। अरे बानो छापर हमारे क्षेत्र कॉलोनी का लेवल क्यों नहीं आप लोग चेक करते हैं? बात तो सुनिए ना। अब बताइए बात, वो जो काम हो रहा है उसमें अभी GSB का काम करना है, फीलिंग का काम करना है, तब तो रोड का हाइट आएगा ना। नाला रोड का हाइट कैसे आता है पता है? आप नगर निगम, नगर परिषद से नगर नगर निगम हो गया ना, ये नगर निगम हो गया ना। एक रोड बनाया जाता है ना, 4 इंच अगर उसका कास्टिंग किया जाता तो पहले 4 इंच कोड़ दिया जाता है। शहर का लेवल हाइट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शहर में हर घर का जो है ना एक बेंचमार्क होता है, और आपके हाइट के चलते जो है ना आधा घर डूब जाता है। वहाँ घर नहीं डूब रहा है ना, वहाँ पे अगर डूब रहा होगा तो क्या? इनसे ईमानदारी से आके बात करूंगा ना, ये ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। टाइट तरीका से बात करूंगा ना, तो पत्रकारिता गलत, और ईमानदारी से पत्रकारिता करते करते 20
ये लोग, जब चुप रहो, आज से पहले आपसे मुलाकात हुआ है? आज से पहले आपसे मुलाकात हुआ है सर? पहले ये बताइए। नहीं भाई, तो भाई नहीं हुआ है आज से पहले, नहीं हुआ है तो मैं सही था, आज मुलाकात हो गया तो मैं गलत हो गया। आप तो गलत नहीं कर रहे हैं, बेतिया ब्लॉक डूबा हुआ है, लोग ब्लॉक में अपना काम कैसे कराएंगे? हॉस्पिटल डूबा हुआ है, कलेक्ट्रिएट डूबा हुआ है, आपका नगर परिषद में आने वाला रास्ता डूबा हुआ है। ये चीज के लिए जितना प्रयास किया जा रहा है ना, पानी कौन सा प्रयास कर रहा है? नहीं जान रहे हैं ना। अरे हम सिविल इंजीनियर हैं और आपसे ज्यादा टैलेंटेड इंजीनियर है। चलिए बीच चौराहा पे टेस्ट हो जाए कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है। आप टैलेंटेड होंगे, आप करिए काम, देखिए आप। हम करेंगे काम, तो हम टैक्स दे रहे हैं, हम इसलिए। उठिए, कुर्सी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, हम करेंगे काम। आप करिए ना, कहाँ कर रहे हैं, जहाँ करिए, हमको कहाँ परेशानी है? 20 साल से हैं ये एक कुर्सी पे बैठे हुए, इसी नगर परिषद में 20 साल से। हर बार सभापति बदल जाता है, हर बार वार्ड कमिश्नर बदल जाता है, लेकिन ये आदमी जो है इसी कुर्सी पे बैठा रहता है। पता नहीं ये आदमी जो है नगर परिषद में क्या करता है और किस प्रकार से नगर परिषद का विकास करता है। और आज ये आदमी बोल रहे हैं क्या कि आप ठीक से बात कीजिए। इन्होंने पूरा बेतिया को डुबा दिया, पूरा बेतिया को बर्बाद कर दिया इन्होंने एक कुर्सी पर बैठ के, और आज बोल रहे हैं ठीक से बात कीजिए। और मैं जब इनके चैम्बर में गया, मैं चैम्बर में घुसने से पहले ये मेरा वीडियो देख रहे थे। ये है बेतिया नगर परिषद, जो नगर निगम हो चुका है। नगर निगम तो हो गया, नगर आयुक्त बैठ गए, और ऐसे जैसे सुजय सुमन जब 20 साल से बैठे रहेंगे, जिनको पता नहीं है कि नाला का फ्लो कौन से डायरेक्शन में कौन से नाला का देना है, किसी भी नाला को किसी भी डायरेक्शन में फ्लो देके जो है ना, और ठेकेदार को गलत कह रहे हैं। जिस दिन ठेकेदार ने एक ईंट रखा, नाला का बेड लेवल चेक करने का काम इनका है, नगर परिषद के इंजीनियरों का है। नाला का बेड लेवल नहीं चेक करते हैं और पूरा बेतिया को डुबा देते हैं ये लोग, और ये बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अरे मैं भी सिविल इंजीनियर हूं और कमाल का सिविल इंजीनियर हूं, और नौकरी छोड़ के आया हूं रेलने के लिए, इन लोगों को सुधारने के लिए। जेल में डलवाए मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मैं पूरे बेतिया के नगर परिषद में घुस के, नगर निगम में घुस के बोल रहा हूं कि मुझे जेल में डाल दीजिए, कितना केस कर दीजिए, सरकारी काम में बाधा था। मैं धारा भी बता दे रहा हूं, धारा 353 लगा दीजिएगा मेरे ऊपर, चला जाऊंगा जेल। लेकिन उसके पहले बेतिया को डुबाने वाले को डुबाना पड़ेगा, और उसको यहां से हटाना पड़ेगा, और उसको जेल में भेजना पड़ेगा। इनके संपत्ति का जांच हो, 6 महीना पहले जब इन पे इनकम टैक्स का रेड हुआ था, अभी तक संपत्ति का जांच क्यों नहीं हुआ? ये लोग जो है हम लोगों को जो है असभ्य कहेंगे। और इसी नगर परिषद में अगर मैं आके किसी अधिकारी का गोड़ पकड़ के मैं अपना काम कराना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा मेरा काम। गयो 3 दिन बीत और भय भीन होत नप्रीत, 20 साल बीत गया बेतिया डूबते डूबते, और बेतिया के लोग देखते देखते थक गए। अब इनके अंदर भय होना चाहिए कि अगर बेतिया को डुबाएंगे तो इनको बेतिया के लोग उसी बाढ़ के पानी में डुबा देंगे। ये है, आइए नीचे दिखाता हूं मैं ये नगर परिषद नगर निगम की सच्चाई। देखिए ये है नगर परिषद से नगर निगम बन गया और बेतिया पूरा डूबते रहा। शिकायत यहाँ पे होता है, यहीं पे शिकायत लिखवाया हूँ, जन शिकायत निवारण केंद्र पे इसी नंबर पे फोन करके लिखाया हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जो बेतिया को डुबाए हैं। इसी पे फोन किया हूँ, उनका स्टेटमेंट लेंगे। ये देखिए, ये बेतिया नगर परिषद है, ये लोग पूरे बेतिया को साफ सफाई कराएंगे, और जिस बेतिया नगर परिषद में एंट्री करते हैं वहीं पे थूका गया है। अब ये लोग बोलेंगे पब्लिक गलत है, यही पब्लिक मुंबई में क्यों नहीं थूक देता है? बिहारी तो मुंबई में भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है, यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं रहता है। नया नया गाड़ी खरीदा गया, ये सारा नया नया गाड़ी, शौचालय लगाया गया है, सब इधर गाड़ी है, सब कुछ देखिए, सब कुछ खरीद लिया जाता है जनता के टैक्स का पैसा का लूट मचा दिया जाता है। जो जनता 100 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीदना चाहिए जनता को, वो जनता 200 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीद रहा है। जिस जनता को 50 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना चाहिए, वो जनता जो है 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदा, और उसी जनता के पैसे का, टैक्स का पैसे का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। यही नगर परिषद है, क्या विकास करेगा? जिस नगर परिषद में आने का रास्ता नहीं रहता है, बाढ़ में डूब जाता है। और बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां, ये देखिए ये सारी हाईटेक गाड़ियां हैं ये सारी, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी निकलता है। हाईटेक भवन बन गया, हाईटेक गाड़ियां आ गई, हाईटेक लोग आ गए। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तभी उन्होंने सरकारी नौकरी क्वालिफाई किया, वो लोग आ गए बैठ गए, मेरे से ज़्यादा दिमाग होगा, और उसके बावजूद भी पूरे बेतिया को डुबा दिए।
और सही से बात किया जाता है तो सुनते नहीं है, तो सही से जब नहीं सुनेंगे तो थोड़ा सा टाइट होना ही पड़ेगा। यहाँ पे संविदा पे कर्मचारी काम करते हैं, संविदा पे उनकी सैलरी जो है 30,000 होना चाहिए, उनको जो है 8,000 10,000 रुपये पे बिहार सरकार खटा रहा है संविदा पे। जब 10,000 रुपये पे बिहार सरकार खटाएगा संविदा पे और वो अपने घर से आएंगे और जब 7,000 रुपये का पेट्रोल और डीजल खर्च कर देंगे तो यहाँ पे घुसखोरी मचेगा कि नहीं मचेगा? वही टैक्स का जो पैसा लिया जाता है उसी पैसा से संविदा पे जितनी सैलरी मिल रही है उसके अलावा 10,000 रुपया सभी संविदा कर्मी को दिया जाए, यहाँ पे नगर परिषद के सारे लोग ईमानदारी से काम करेंगे। तो बड़ा मछली जो है हमेशा छोटा मछली को निगल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ के नगर निगम बेतिया ने पूरे बेतिया को डुबाया है और बेतिया के बिजनेस को बढ़ने नहीं दिया है, जो बेतिया पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर 1957 में हुआ करता था, जहां पे बेतिया में जवाहरलाल नेहरू आए थे तो उन्होंने कहा था कि बेतिया बिहार का इकलौता शहर है जो मेट्रो सिटी बन सकता है, मुंबई को टक्कर दे सकता है, और उस बेतिया को इन लोगों ने बुरा दिया, डुबा दिया और बर्बाद कर दिया। आज अगर मेरा बेतिया मुंबई बन गया होता तो मैं भी यहां का करोड़पति नहीं अरबपति होता। आज ये सभी गरीब लोग जो है ना बेतिया से बाहर नहीं जाते कमाने, साल भर से ये लोग सफाई करते हैं, नाला साफ करेंगे, नाला साफ करेंगे, नाला साफ करेंगे, और पता चलता है कि बारिश में बेतिया डूब जाता है। ये कौन सा प्रकार है? और लगभग लगभग यही स्थिति बिहार के सभी शहरों का है। पहले यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उनको 2 साल से ज़्यादा टिकने मत दीजिए, ये लोग सेटिंग कर लेते हैं नीचे से ऊपर तक। अगर 2 साल से ज़्यादा ये लोग टिक गए तो समझ जाइए कि ये लोग सेटिंग कर लिए, और इसमें आम पब्लिक परेशान होता है, सारा आम पब्लिक परेशान होता है। और हम लोग जब लॉजिकली बात करेंगे तो हमें जो है ये लोग अपराधी साबित करने के लिए केस मुकदमा सब कुछ कर देते हैं। करिए केस मुकदमा, 4 बार जेल गया हूं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, हर बार सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाए, एक बार और लगेगा, एक बार और जेल जाऊंगा, लेकिन बेतिया को डुबाने वाले आप लोगों को पहले बेतिया उसी बाढ़ में डुबाऊंगा मैं।